उल्लासनगर की राजनीति में एक बार फिर से बकरडोडू का दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी विषय में क्या है कहना प्रकाश तलरेजा का, आइए सुनते हैं। प्रकाश जी, आपके गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कहेंगे आप, कौन हो सकता है इसके पीछे? भाई साहब, अज्ञात लोग नहीं है, एनसी के रिकॉर्ड पे अज्ञात लिखा गया है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, रिकॉर्डिंग्स हैं, जानकारी है, राम वाधवा और उसके गुंडों ने मेरे गाड़ी पे हमला किया है। लेकिन उसके एक दो घंटा पहले इंडियन राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं तेरे साथ पार्ट टू खेलूँगा। पार्ट टू का डेफिनेशन ये है कि कुछ महीने पहले मेरे ऊपर हमला हुआ था, उस हमले को रेफर करके उसने रेफरेंस में साथ में टैग करके ये बोला है कि वो मेरे ऊपर पार्ट टू करेगा। इट मीन्स पहले जो हमला हुआ था अब ये दूसरा हमला करेगा। विषय ये है, उसके बाद ये एक्चुअली क्या है, मैं आमदार साहब श्री कुमार एलानी जी का एक विषय अपलोड किया था मैंने इंडियन राजनीति ग्रुप में। वो ये था कि हमारे आदरणीय श्री कपिल पाटिल साहब, जिनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला, उनकी शुभकामनाओं के लिए एक पोस्ट अपडेट की थी, उस पर इसने टीका टिप्पणी की। वह टीका टिप्पणी यही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन हमने पोलाइटली लिया और उसको इग्नोर किया। ज़्यादा ध्यान नहीं देने का ऐसे लोगों पे। लेकिन आधे एक घंटे बाद उसने जैसे मुझे फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला मुझे नहीं मिलना है भाई, मैं बिज़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट में तुमसे मिलूँगा। फिर बोला फिर वक्त से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, वक्त ने चाहा तो मिलेंगे। लेकिन फिर उसने फ़ोन कट किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई, ये अपनी गुंडागर्दी की जो हदें हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वो उससे बाज नहीं आने वाला है। मैंने इस विषय को विस्तार से उल्लासनगर पुलिस चौकी के सीनियर PI साहब को, कदम साहब को सारी चीज़ बताई। उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और मेरा मुझे बुला के वहाँ पर एक NC दर्ज की गई। NC दर्ज करने के बाद मुझे चौकी में ही था तो मुझे एक फ़ोन आ गया मेरे घर से कि कुछ गुंडे घर के बाहर आके, बिल्डिंग के बाहर आके रुके हैं और हमारी गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचा, देखा कि मेरे कार के पीछे का कांच पूरी तरह टूटा हुआ था। फिर मैंने थोड़ी देर घर पे बैठ के वो फुटेजेस निकाले, CCTV के फुटेजेस निकाले। रात को 2:30 बजे के करीब फिर से पुलिस चौकी गया, लेकिन वहाँ पर विषय एक दूसरा विषय, गंभीर विषय चल रहा था। तो अधिकारियों ने कहा कि ज़रा हम सबेरे, ठीक है, मैं कल मतलब 8 तारीख सबेरे फिर चौकी गया। मैंने इस विषय को समझाया, सारी फुटेजेस दी, उन्होंने एक फिर से एक NC दर्ज की जिसमें यह धारा लगाई गई कि मेरी गाड़ी को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा अगर आपको जो बोलना है वो विस्तार से हमें लिखित रूप से दीजिए। मैंने लिखित एक पत्र दिया उनको, उस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार उसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा, फ़ोन कॉल्स आए और कुछ फुटेजेस, कुछ कॉल्स मेरे पास ऐसे हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये हमला राम वाधवा और उसके जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने ही किया है, और ये उनके लिए नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे श्री धीरज एलानी जी, आमदार साहब के सुपुत्र, उनकी मर्सिडीज़ कार के भी कार के कांच तोड़ दिए, वो भी रिकॉर्ड पे आया है, उसकी भी हमने शिकायत दर्ज की है। लेकिन ये जो दोनों बाप बेटे हैं, राम वाधवा, नंद वाधवा, ये हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं के तहत 20 से ज़्यादा गुनाह दर्ज हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से एक मांग है कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को, उल्लासनगर एक सर्वसाधारण शहर है, व्यापारिक शहर है, वहाँ के सीधे साधे लोगों को इन गुंडों से मुक्त कराया जाए, इनको तड़ी पार किया जाए, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि शहर को, शहरवासियों को एक शांति की सांस लेने को मिले। प्रकाश तलरेजा के लगाए गए आरोप के सिलसिले में हमने बातचीत की राम वाधवा से, क्या रहा उनका कहना इस आरोप को लेकर, आइए सुनते हैं। राम वाधवा जी, भाजपा में पदाधिकारी होने के बाद भी आपका जिस तरीके से जो कि विवाद भी जो है सामने आया था कुमार रानी को लेकर, अब जो है नया विवाद सामने आया है प्रकाश तलरेजा को लेकर, जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि जिस तरीके से जो कि उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमला किया गया, उन्हें मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है, तो जानना चाहेंगे क्या हकीकत है और इस तरीके से जो लगातार जो सामने आ रही घटना है वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो प्रकाश तलरेजा कुमार एलानी के PA है, वो उल्लासनगर शहर का सबसे मशहूर, सबसे बड़े में बड़ा ब्लैकमेलर है।
इसने मुझे कॉल करके 1,00,000 रुपया खंडनी मांगी थी, जिसको 35,000 रुपया देते वक्त रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी प्रॉपर FIR उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में लॉज हुई है। उसको पुलिस रिमांड में रखा गया था लॉकअप में, उसके बाद उसको आदरवाड़ी जेल भेजा गया था। जेल से छूट के आया, लगातार वो शहर में लोगों के जहाँ पे भी कुछ किसी भी तरह के काम चलते हैं सबको परेशान करना, सबसे ब्लैकमेल करके पैसा लेना, इसका कोई धंधा नहीं है। ये आज से 10 साल पहले दूध बेचता था, लेकिन होता ना कि दूध में भी मिलावट, वो मिलावट कर करके भी वो उसका पेट जो है ना पैसों से भरा नहीं। उसने उसके बाद ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू किया है। आज से कुछ दिन पहले ही उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक महिला ने उसको कपड़ा फाड़ करके नंगा करके मारा था। पूरे शहर को ये बात पता है, आए दिन प्रकाश चलरेजा ब्लैकमेलर किसी न किसी की मार खाते ही रहता है। अच्छा, इस मुद्दे पे पुलिस विभाग से जब संपर्क हुआ होगा तो क्या कहा उन्होंने इस मामले पर? मामला कुछ दर्ज हुआ या फिर किस तरीके से? देखिए, जो मैंने FIR किया था ज़रूर उसमें कार्रवाई हुई थी। प्रकाश को जेल जाना पड़ा था, प्रकाश को लॉकअप में रहना पड़ा था, प्रकाश को बेल लेनी पड़ी थी। लेकिन अब जो एक किसने स्टंट किया है, खुद की गाड़ी का 2-3 हज़ार, एक मामूली स्विफ्ट गाड़ी का पीछे का कांच आता है 2,000 रुपये का, वो उसने खुद तोड़वाया है और नाम मेरा लेना है। मतलब इनके पास अगर कुछ भी होता है तो किस तरह से राम को परेशान किया जाए, राम वाधवा को मानसिक प्रेशर कैसा किया जाए, मुझे मेरी आवाज़ कैसी बंद की जाए, ये इनकी पूरी एक प्लानिंग है। और ये हमला पूरी तरीके से उसने खुद करवाया है, इसलिए पुलिस ने भी जो NC ली है उसमें कहीं पे भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और पुलिस भी मेरे खिलाफ़ अननेसेसरी कंप्लेंट लेगी क्यों? क्या मैं वहाँ स्पॉट पे था? क्या मैं वहाँ CCTV में दिखा? क्या जिसने पत्थर मारा उसने मेरा नाम लिया है? इस प्रकार का कुछ नहीं है, ये सब एक षड्यंत्र है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। शहर के विकास करने की इनमें क्षमता नहीं रही आमदार में। किस तरह लोगों का ध्यान भटकाया जाए, किस तरह दिखाया जाए कि देखो मुझे राम काम नहीं करने दे रहा है। तो ये एक होता है ना कि अपनी गलती छुपाने के लिए हम दूसरे पे आरोप लगाए, खुद बड़ा नहीं हो सकते लेकिन दूसरे को नीचा दिखा के हमको बड़ा होना है, इस तरह का काम आमदार कुमार रेलानी कर रहा है। शहर में कुछ विकास नहीं है, यहाँ धोखादायक इमारतें हैं, आए दिन गिर रही है, लोग बेघर हो गए, लोग बिना लाइट पानी के रह रहे हैं, उनको आज नौकरियां नहीं है, दुकानें यहां पर खुल नहीं रही है। उल्लासनगर में अनेक समस्या है, उन सबको लेकर के हमारे शहर का जो आमदार है कुमार एलानी, वो ना एकदम सफल कर ही नहीं पा रहे किसी भी प्रयासों को। और उन्होंने ये बात खुद बताई है कि मैं आधार कार्ड बनाता हूँ, पैन कार्ड बनाता हूँ, राशन कार्ड बनाता हूँ। अब हो सकता है कि लोग इनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने के लिए नहीं जा रहे, तो ये एक कुछ भी अभी टाइम पास करना है, मीडिया में उनको आना है, उनके PA लोगों को आना है, तो ये हमला कराते हैं, 2-3 हज़ार अपनी गाड़ी का कांच तोड़ दो और मेरा नाम ले लेते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।